हेलो वंदनम सर, वेलकम सबका बहुत ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर। एग्जाम्पल से सबसे पहले प्लीज 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 यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को शेयर कर दो। हाँ भाई जितना पता नहीं क्यों नाराज हो गए हमसे, हम तो आपसे बहुत खुश है। हाँ प्लीज शेयर कीजिए आज यार, बड़ी फनी है। तो अब पता क्या, आज बड़ी फनी वीडियो होने वाली है क्योंकि आज में हम देखने वाले हैं कि भाई पाकिस्तान के जो बने सियासतदान है ना भिल्लो वाली वो देखेंगे, और इंडिया के जो पप्पू है ना मतलब के राहुल गांधी, उन दोनों को देखने वाले हैं। पहले आएगी वीडियो जो पाकिस्तान के जो फनी पॉलिटिशियंस है ना उनकी, फिर बाद में आएगी भाई इंडिया के जो फनी पॉलिटिशियंस है उनकी। स्पीच बड़ी मजेदार उनकी होती है, बड़ा मजा आता है। तो आज आपका दिन बड़ा खुशगवार, बड़ा मौसम अच्छा हुआ पड़ा है। आपके यहाँ मौसम कैसा चल रहा है ये भी बताना, देखते हैं आज के लिए। मैं मौत के हाथ से जिंदा हूँ, मेरा खून का सूरज चमकेगा तो बच्चा बोलेगा। दोस्तों साल के 12 महीनों में से कोई भी महीना ऐसा नहीं होता जिसमें पाकिस्तानी सियासत जरा सी भी ठंडी पड़ जाए, जहां सियासतदान एक दूसरे की शलवार उतारने में लगे रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैमरा कुछ ऐसे लम्हे रिकॉर्ड कर लेता है जो लोगों की हंसी का बायस तो बनते ही है, लेकिन ये सियासतदान भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से हम आपको पाकिस्तानी सियासतदानों की कुछ ऐसी वायरल वीडियोस दिखाएंगे जिन्हें देखने के बाद आप बहुत हंसेंगे। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले बिलावल साहिबा की ये वीडियो क्लिप देखें जिसमें ये अभी नए सियासत में आए थे और इन्हें ये भी नहीं पता था कि किस लफ्ज पर कितना जोर देना है। कल आप अपने नाम मालूम अपराध को संभाले, अगर मेरे काम कारकुनों पर एक आंच भी आए तो लंदन पुलिस क्या मैं आपका जीना हराम कर दूंगा। बच्चों को जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि अंकल अल्ताफ को बिलावल किस तरह से धमकी दे रहे थे, धमकी तो एक तरफ रही, इनसे तो पानी की बोतल का ढक्कन नहीं खोला जा रहा। क्या गुंडा बनेगा रे तू? अब जरा इस अगली वीडियो को देखें जहां पर मौलाना फजलुर रहमान पेट भर खाना खाने के बाद उसे हजम कर रहे हैं। जरा इन भाई साहब को गौर से देखें, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये वीडियो फेक है तो यकीन जाने आपका कुछ नहीं हो सकता। अब कभी कभी सियासतदानों को आवाम को जोश दिलाने के लिए शेर भी पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन बिलावल ने ऐसी शायरी की जिससे आवाम में जोश कम और हंसी का बायस ज्यादा बन गया। मैं मौत के हाथ से जिंदा हूँ, मेरा खून का सूरज चमकेगा तो बच्चा बोलेगा मैं भुट्टो हूँ, मैं भुट्टो हूँ, मैं भुट्टो हूँ, जी भुट्टो। अब यहाँ पार्लियामेंट में एक बड़ा ही फनी सीन होता है जिसमें मुशाहिदुल्लाह और फवाद चौधरी के दरमियान अच्छी खासी नोकझोंक हो जाती है, जिसमें मुशाहिदुल्लाह फवाद चौधरी को सबसे पहले डब्बू और उसके बाद संडा कह देते हैं। एक तो ये डब्बू साहब बोले जा रहे हैं, मैं अब इनका क्या करूँ, मैं इन्हें घर छोड़ के आया था, ये फिर तुम मारेगा। आ जरा मैं बताता हूँ, प्लीज 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 प्लीज। अब इस अगली वीडियो में शहबाज शरीफ का कहना था कि पूरी दुनिया में आपने हमको बदनाम कर दिया, चोर और डाकू जिसको नहीं भी पता था उनको भी पता चल गया। दुनिया में आपने पाकिस्तान को बदनाम कर दिया, चोर डाकू लुटेरे जिनको इसका इल्म भी नहीं था उनको भी जाके आपने बता दिया के। आजकल असेंबली से एक वीडियो काफी वायरल हो रही है जिसमें ये भाई साहब आपको इंटरनेशनल भिखारी दिखाना चाहते हैं। और मैं आप लोग को इंटरनेशनल भिखारी दिखाना चाहता हूँ, ये है भिखारी जो खुद भिखारी है, भिखारी है जो कौम को भिखारी कहता है। हम खुददार कौम है, ये खुददार लोग बैठे हुए और ये भिखारी बैठे हुए, ये भिखारी भिखारी ये है। अब बोगियां तो आपने इससे पहले बहुत सारी सुनी होंगी, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान की ये बोगी सुनिए जिसमें इनका कहना था कि जब मैं रात को सो रहा था तो रात को सोते हुए मेरी फोन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से बात होती है। मैं सोया हुआ था तो मैं ख्वाब देख रहा हूँ कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फोन पर बात कर रहा हूँ, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम मुझे फरमाते हैं
तुम क्या चाहते हो? चल झूठ। अब यहाँ पर पीटीए लीडर जरताज गुल मौसम के हालातों वाकयात के बारे में आवाम को बता रही थी। ये बारिशों के बरसने का क्रेडिट भी खुद ही लेने वाली थी, लेकिन कुछ सोचकर अपना इरादा बदल दिया। इतनी ज्यादा तादाद में बारिश है और बर्फबारी जो है वो पाकिस्तान के अंदर कभी नहीं हुई जितनी इस दफा हुई है। उसका क्रेडिट भी मैं अपने आप को नहीं दे रही उसका क्रेडिट। अब इस अगली वीडियो में शहबाज शरीफ अपना मुहावरा तैयार कर लेते हैं, ना रहे बांसुरी ना बजे बांसुरी। ना 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 बजे ना रहे बांसुरी ना बजे बांसुरी, ये कहते हैं पता ही नहीं। ना रहे जी ना रहे बजे बांसुरी। अब इस अगली वीडियो में शीरी मजारी आया सादिक को यार बोल देती हैं। इसके बाद वहाँ बैठे सभी को मौका मिल जाता है और हर कोई शीरी मजारी का यार बनने की कोशिश करता है। किसको यार कह? ये कह रहे आपने मुझे कहा। मैंने आपको क्यों कहूँगी यार? अब यहाँ बिलावल अपनी तकरीर में इमरान खान साहब को अपने बाप जरदारी के बारे में बता रहे थे, लेकिन जो कुछ इन्होंने बताया उसे सुनने के बाद तो सब और भी कंफ्यूज हो गए। सदर जरदारी का झूठा तक का भी बराबर नहीं है, इसको मैं एक सच बचाना चाहता हूँ। क्या बोला तूने? एक सच बचाना चाहता हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कि वो सदर जरदारी नहीं, सरदार सरदारी का वालिद था। क्या? सरदार सरदारी का वालिद था। क्या? सरदार सरदारी का वालिद था। ओके। अब दोस्तों शेख रशीद और बिलावल की मोहब्बत के बारे में तो सभी जानते हैं। शेख रशीद बिलावल के अलावा किसी और की बात ही नहीं करते। शेख रशीद बहुत ही जबरदस्त अंदाज में बिलावल की नकल उतारते हैं। बिलावल ने कल खत लिखा, कहता है अगर हमें पकड़ा तो हम खौफनाक बन जाएंगे, अगर हमें पकड़ा तो हम खौफनाक बन जाएंगे। कहते हैं कि हमें किसी ने छुआ। अब यार मजाक को साइड रखते हैं, जरा इस पीछे खड़े सिक्योरिटी गार्ड को देखें, जहां शेख रशीद की बातों पर सभी हंस रहे थे, लेकिन ये बंदा टस से मस नहीं हुआ। इसे ही कहते हैं जॉब डेडिकेशन। अब बिलावल साहिबा की नीम कांपे टांग रही पर शीरी मजारी भी चुप ना रह सकी। इन्होंने असेंबली में खड़े होकर सबको कांपे टांगने पर मजबूर कर दिया। अब जहां एक तरफ शहबाज शरीफ जरदारी के बहुत सख्त खिलाफ थे और उसे सड़कों पर घसीटने की बात किया करते थे, अचानक इनके सारे वादे सारी कस्में टूट जाती हैं, मतलब कुत्ती चोरू के साथ मिल जाती है। पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस करना इस तरह है कि आप मौत के कुएं में सलाम लगा दें। इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना कराची पिशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटना। अब इस अगली वीडियो में तकरीर के दौरान शेख रशीद साहब को करंट लग जाता है। गनीमत तो ये रही कि इनके मुंह से गाली नहीं निकली। शेख रशीद बार बार बिलावल को तंग करते रहते हैं, कभी उनको शहजादा कह देते हैं, शहजादा है, मैं दिल से कह रहा हूँ शहजादा है, कभी उनकी मोहब्बत में सीटी बजा देते हैं। आखिरकार शेख साहब ने सबके सामने इस बात का इकरार कर ही डाला कि वो बिलाल से मोहब्बत करते हैं। तो मैं प्यार करता हूँ। अब यार इन सियासतदानों से तो शैतान भी पनाह मांगता है, जब शैतान देखता है ये तो मेरे भी बाप निकले। वेल तो दोस्तों ये थी हम। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बड़े एयरपोर्ट बनेंगे, किसान सीधा जाके अपना माल एयरपोर्ट में बेचेगा, किसान सीधा एयरपोर्ट में बेचेगा माल, अपना माल एयरपोर्ट में बेचेगा। क्या बोला तूने? जैसे ट्रैक्टर में ट्रक में पेट्रोल डाला जाता है फिर चाबी घुमाई जाती है, हम हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में पेट्रोल डाल रहे हैं डायरेक्ट। मेरे पास आंकड़े हैं, 2014 में आटा
22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर। मैं रात को सोता हूँ, मैं भीख मंगा हूँ, देश ने सिर्फ मुझे आलू नहीं दिया, देश ने मुझे जूते भी माने। मैं हिंदुस्तान के युवाओं से, जनता से पूछना चाहता हूँ, आपके फोन के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने एक हथियार डाला है। क्या हथियार था? स्पीकर मैडम, सॉरी मैडम। मैं अरुण जेटली जी का भाषण सुन रहा था और हम यहां बैठे हुए थे और बीच में मैं ऐसे हिला, परसों गलती कर दी। 14 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला, इस बार 25,000 करोड़ लोगों को हम गरीबी से निकालने का देंगे। क्या बोला? मध्य प्रदेश में 35 लाख, 35 लाख, लेकिन 35 लाख ज्ञानी बाबा। प्रधानमंत्री यहाँ खड़े होते हैं, कहते हैं नरेगा जैसी बेकार योजना मैंने कभी नहीं देखी। नरेगा मनरेगा। हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे भाई लोगों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक और शेयर कर देना, और हाँ दोस्तों ये पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देख कर जाना, मजा आएगा। देश का राष्ट्रपति जाता है, लाल किले पे खड़ा होता है और देश को कहता है, भाइयों और बहनों, मेरे आने से पहले, मेरे प्रधानमंत्री बनने से पहले आपके माता पिता, आपके दादा, आपके दादी, आपके नाना, आपके नानी सब सो रहे थे। कौन है ये पागल आदमी? शिव जी की फोटो में मुझे कांग्रेस पार्टी का चिन्ह दिखाई दिया। आर। तो फिर मैंने सोचा कि भाई दूसरी फोटो देखता हूँ। मैंने गुरु नानक जी की फोटो देखी, उसमें कांग्रेस का चिन्ह। आर। मैंने बुद्धा की फोटो देखी, उसमें कांग्रेस का चिन्ह। आर। महावीर जी की फोटो देखी, उसमें कांग्रेस का चिन्ह। आर। हजरत अली जी की फोटो देखी, उसमें कांग्रेस का चिन्ह। कृष्ण नाराजा वोडेयार जी, विश्व रैया बोले नहीं जान दिया कि कहना। किसान के लिए आलू की फैक्ट्री तो नहीं खोल सकता, आलू की फैक्ट्री तो नहीं खोल सकता। अरे दोस्तों रुको जरा, वीडियो पूरा देख के जाना, बहुत मजा आने वाला है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देख के जाना। ये जो चिप्स का पैकेट है इसमें एक आलू होता है। कितने का बिकता है आजकल? प्रधानमंत्री जी बाहर नहीं जाते हैं, नहीं बाहर जाते हैं, मतलब अब्रॉड जाते हैं, ओबामा जी के पास, ट्रंप जी के पास जाते हैं, मगर अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। मैडम स्पीकर, आई वुड लाइक टू विश अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माई कॉलीग्स एंड टू द यंगस्टर्स हु हैव कम टू सी दिस स्पीच टुडे, ये थी आज की वीडियो थी यार। देखा ही आप सबने इस वीडियो में कि भाई एक तरफ पाकिस्तान के सियासतदान और इंडिया के, मुझे बस राहुल गांधी का ही पता है ज्यादातर, जो ना फनी मतलब स्पीचेस वगैरह
बोल जाते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ किसी और का भी पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन हमारे पाकिस्तान में भाई सभी जो है ना तो कुछ ना कुछ वर्ड कभी ना कभी ऐसा बोल जाता है कि बंदे की हो, क्योंकि हम अपने न्यूज वगैरह में देखते रहते हैं, तो फिर वो जो एक वर्ड गलती से ही मुंह से निकल जाता है ना वो उसको बड़ा है ना मजाक बनाती है। और ये जो जरदारी वाला एक क्लिप था ना, ये असली क्लिप है, हमने ये कोई झूठ नहीं है, खांसी कर रहा होता है सच में ऐसा होता है, ये कोई फेक वीडियो नहीं है, ये बिल्कुल असल वीडियो है। तो मुझे इतनी हंसी आई जब मैंने ये फर्स्ट टाइम वीडियो देखी। और बिलावल भुट्टो आपको पता है भाई, जैसे आपका वो पप्पू है ना, मतलब के ये राहुल गांधी सेम आप समझ लें कि कॉपी वही है, दोनों एक ही चीज है, इसी तरह से। क्योंकि भाई ये जो है ना बिलावल भुट्टो, उनको भी ना मतलब शुरू शुरू में उर्दू इतनी ठीक नहीं थी आती, वो जो मर्जी, और इसी तरह से हमें ये जो है ना इनको भी इतनी हिंदी सही से नहीं आती, तो ये भी आप देखा ना इन्हें कैसे अटक रहे थे, इनको भी नहीं सही से। तो फिर ये ऐसी ऐसी स्पीचेस दे देते हैं कि भाई बंदे को सुनकर ना हंसी आती है। और पीएम मोदी इनका बड़ा अच्छे तरीके से जवाब देते हैं, और यहाँ पे भी ये जो बिलावल भुट्टो को बिल्लो रानी कह के बुलाते हैं, और बड़ा एक ना मजाक किस्म का बनाते हैं। और भाई मुझे अच्छी बात नहीं है का, लेकिन भाई लोग छोड़ते ही नहीं है। और क्या नाम रहते हैं वो जो है फजलुर रहमान, उसकी क्या हरकतें हैं, वो एक मौलवी टाइप हो गए, तो हरकता हुई तो हम भी चेक करो की कर रहे ठोस कर रहे और कितनी फनी ये वीडियो थी, मुझे मतलब दिन खुशगवार हो गया मेरा। तो मुझे वैसे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की ज्यादा फनी वीडियो लगी है, क्योंकि उसमें ज्यादातर थे ना। और अगर आपको कोई ऐसी वीडियो जरूर चाहिए और तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको थोड़ी सी भी हंसी आई है वीडियो थोड़े देखकर। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।